सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से कहा है कि वो चुनावी बॉन्ड के मार्फत 15 मई तक मिलने वाला चंदा 30 मई तक चुनाव आयोग को बंद लिफाफे में सौंपें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि राजनीतिक दलों को बताना होगा कि उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किस से कितनी रकम मिली। इस अहम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या कहा, हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे बता रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारी राजनीतिक पार्टी जिन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिला है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कि ये बॉन्ड्स जो हैं किसने दिए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कितना बॉन्ड मिला है वो एक सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन को 30 मई तक दें। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, इंटरिम ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा जो है इस पे और वक्त लगेगा इस पे बहस करने के लिए, और उसके बाद ही कोई पूरे ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट आएगी। लेकिन पूरे ऑर्डर देने के पहले सुप्रीम कोर्ट ये भी चाहती है कि कोई भी किसी भी एक राजनीतिक दल को फ़ायदा ना मिले जो अनफेयर फ़ायदा होगा, और ये भी कहा है कि तब तक ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी जानकारी जो है कि बॉन्ड्स जो हैं किसने खरीदे और कितने के बॉन्ड, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो पार्टी के पास है वो जो है इलेक्शन कमीशन तक ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके काफ़ी विवाद है, काफ़ी विशेषज्ञों का कहना है और इलेक्शन कमीशन का भी मानना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके जो है ट्रांसपेरेंसी एकदम भंग की गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा है कि बाहर देश से भी पैसा आ सकता है राजनीतिक दलों के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए, और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खतरनाक है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जिस तरीके से ये स्कीम बनाई गई है वो एकदम सही नहीं है और इस स्कीम में संशोधन करने की ज़रूरत है। तो जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम को भी भंग नहीं किया है, वहीं दूसरी तरफ ये ज़रूर कहा है कि जहां तक ट्रांसपेरेंसी की बात है ये ज़रूरी है कि जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो बताएं कितना उनको डोनेशन मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए और किसने दिया है डोनेशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन वो सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन को पहुंचाएंगे। दरअसल केंद्र ने ये कहा था अपनी बहस में कि ये ज़रूरी नहीं है नागरिक को जानने के लिए कि कौन फंड दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। इसको लेके भी बहुत विवाद है। विशेषज्ञों का मानना है कि बहुत ज़रूरी है कि लोगों को पता चले कि फ़ंड कहाँ से आ रहा है, ताकि ये एकदम सार्वजनिक होना चाहिए, ये सारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो बहस जो है अभी जारी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन तब तक ये इंटरिम ऑर्डर को का पालन करना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।